हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स क्विज का पार्ट नंबर 3। इसके पहले हमने करंट अफेयर्स क्विज के सीरीज में पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 किया था, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस लिए थे करंट अफेयर्स से और मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया था। पहले मैंने बोला था कि आप उसको खुद से करो, उसके बाद मैंने उसका आंसर बताया था, फिर आपने स्कोर अपने जो भी आए थे उसको कुछ लोगों ने शेयर किया था। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस पे फोकस किया और आप लोगों ने बहुत से मतलब काफी अधिक संख्या में उसको देखा और काफी बेनिफिट मिला होगा आई होप। सो इस सीरीज को आप जितनी भी वीडियोज में अपलोड कर रहा हूँ करंट अफेयर्स क्विज वाली सीरीज में, इसको आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी, सीजीएल, डीएसएसबी या फिर किसी भी स्टेट पीएससीज में करंट अफेयर्स का जो पोर्शन आता है वो आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यू हैव 2 or 3 months टाइम और उस टाइम तक हम काफी कुछ करंट अफेयर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसमें जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जिनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और आप मान लीजिए कि इसमें से लगभग जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे लगभग 80-90% क्वेश्चंस कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपने हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आप लोगों में से कई लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन उसको व्यू मतलब उसको देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उनकी नोटिफिकेशन उनको एडवांस नहीं मिल पाती हैं। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन एडवांस मिल जाए जैसे ही मैं वीडियोस को अपलोड करता हूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है आपके लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जो है इस क्वेश्चंस को देखिए, मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं, आपका जो भी आंसर है उसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर आप उसको मैच करवा लीजिएगा, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज गिवन इन प्रिंसिपल नॉट टू एड रुपीज 1700 करोर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि भारत के इन स्टेट में से किस स्टेट को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1700 करोड़ रुपए का की सहायता राशि देने के लिए मतलब सहमति जताई है, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1700 करोड़ रुपए देने के लिए, इनमें से किस स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री विल टाई अप विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फिनलैंड टू डेवलप अ पॉल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम इन इंडिया। आपको चार मिनिस्ट्रीज दी हुई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से और फिनलैंड से कंबाइंड रूप से एक मतलब टाई अप कर रही है भारत में पॉल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए, कि भारत में एक पर्यावरण से रिलेटेड यानी जो प्रदूषण हो रहा है उसकी भविष्यवाणी की जा सके, ऐसा एक सिस्टम लगाने जा रहे हैं इंडिया में। तो उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स से और फिनलैंड से मतलब टाई अप किया गया है, तो ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री जिसने टाई अप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हु बैग्ड इंडियाज फर्स्ट मेडल एट द 2018 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में 2018 का इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ISSF, ये वर्ल्ड कप हुआ था साउथ कोरिया में। तो इसमें से सबसे पहला जो है मेडल ये किसने जीता था, तो आपके पास ऑप्शन है, ये भारत का पहला मेडल की बात मैं कह रहा हूं, भारत का पहला मेडल इस कंपटीशन में किसने जीता था। तो ऑप्शन दिया है आपके पास, रोंजन शोढ़ी, जीतू राय, ठीक है, शहजाद रिजवी या फिर ओम प्रकाश मिठरवाल। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द शिरुई लिली फेस्टिवल वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन 28 अप्रैल 2018। 28 अप्रैल 2018 को इनमें से किस राज्य में शिरुई लिली फेस्टिवल मनाया गया, तो वो कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर मणिपुर या फिर मिजोरम, कौन सा स्टेट है, आप अपना आंसर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन देखते हैं फ्रेंड्स, विच इंडियन शूटर हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर हरियाणा मीजल्स एंड रेबुला, जिसको शॉर्ट में MR बोलते हैं, दिस वैक्सीनेशन कैंपेन। तो हरियाणा में जो है
एक वैक्सीनेशन कैंपेन है जिसका नाम है मीजल्स एंड रेबुला। ये वैक्सीनेशन कैंपेन है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय शूटर को बनाया गया है? तो इनमें आपको भारतीय शूटर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि रंजन सोदी है, अपूर्वी चंदेला है, गौरी श्योरेन है और विजय कुमार है। तो इनमें से किसको बनाया गया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड विथ सरस्वती सम्मान 2017? सरस्वती सम्मान 2017 से किसको नवाजा गया है, किसको अवार्ड दिया गया है वाला? तो यू हैव दी फोर ऑप्शंस, सितांशु, यश चंद्रा, विजय तेंदुलकर, महाबलेश्वर सेल एंड सुगाथा कुमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया था? 28 अप्रैल, 30 अप्रैल, अप्रैल 27 या फिर 29 अप्रैल, कब मनाया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ब्रिटिश काउंसिल टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल एंड कल्चरल कोऑपरेशन? ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने की जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ब्रिटिश काउंसिल से, किस किस पर्पस के लिए? एजुकेशनल और कल्चरल कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मिशन बुनियाद हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, इनमें से किस राज्य में मिशन बुनियाद लॉन्च किया गया है? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली या पंजाब? अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, नेशनल मैरीटाइम डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? नेशनल मैरीटाइम डे भारत में इनमें से किस दिन ऑब्जर्व किया गया? 5 अप्रैल, 3 अप्रैल, 9 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल? सो आई होप कि आपने अपने सारे आंसर्स मैच करवा लिए होंगे फ्रेंड्स। आपको अब मैं वन बाय वन बताऊंगा उनके आंसर्स। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। ओके, सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन हमारा ये था जिसमें बोला गया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनमें से किस राज्य को 1700 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई थी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए? तो फ्रेंड्स, वो स्टेट है उत्तराखंड, वो स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड को इन प्रिंसिपल नोट दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री विल टाई अप विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड फिनलैंड, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट और फिनलैंड के साथ टाई अप कर रही है भारत में पॉल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम लगाने के लिए? तो वो मिनिस्ट्री है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री है ये जो है भारत में पॉल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम लगाने के लिए यूनाइटेड स्टेट और फिनलैंड के साथ टाई अप करने जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इनमें से किसने भारत का पहला मेडल जीता है 2018 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन मींस ISSF इस वर्ल्ड कप में जो कि साउथ कोरिया में हुआ था, किसने भारत का पहला मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स, उनका नाम है शहराज रिजवी, उनका नाम है शहजार रिजवी। ओके, आइए नेक्स्ट वन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, इनमें से किस शहर में शिरुई लिली फेस्टिवल वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड? सो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो ये लिखा हुआ है शिरुई लिली, ये मणिपुर का स्टेट फेस्टिवल है, स्टेट फ्लावर है, ये जो है मणिपुर राज्य का स्टेट यानी राज्य फूल है, राज्य पुष्प है मणिपुर राज्य का। ठीक है, तो ये जो है मणिपुर में मनाया गया ये फेस्टिवल, और मणिपुर में फ्रेंड्स 24 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक ये फेस्टिवल मनाया गया। और ये कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है उखरूल, इसकी स्पेलिंग होती है UKHRUL, उखरूल। उखरूल नामक एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि मणिपुर का सबसे हाईएस्ट हिल स्टेशन है। ठीक है, उखरूल जिला जो है मणिपुर का सबसे हाईएस्ट हिल स्टेशन है। यहां पर 24 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक ये शिरुई लिली फेस्टिवल मनाया गया, और ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है कि वहां की जो कल्चरल और ट्रेडिशन वगैरह है उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। वहां के जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये मनाया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन शूटर, इनमें से कौन सा भारतीय शूटर ऐसा है जिसको हरियाणा की सरकार ने मीजल्स एंड रेबुला वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है गौरी श्योरन। गौरी श्योरन जो है आईएएस ऑफिसर की लड़की है, मतलब इनके फादर आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, इन्होंने 7th वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता 20 ईयर्स के एज में। ठीक है, शी वॉज बॉर्न इन 1997
1997 एंड इनको जो है 20 इयर्स में इन्होंने सेवेंथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। तो फ्रेंड्स इसके लिए हरियाणा के गवर्नमेंट ने, हरियाणा की जो लोकल बॉडीज मिनिस्टर थी, उन्होंने क्या किया है कि इनको मीजल्स एंड रेबुला वैक्सीनेशन कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे बनाया है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इससे जुड़ी एक बात और है फ्रेंड्स कि एक आईएएस, इस बार आईएएस की जो सेकेंड रैंकर रही है जिनका नाम है अनु कुमारी, उनका नाम है अनु कुमारी, ये आईएएस में सेकेंड पोजिशन पे आई है, सेकेंड रैंक इनका, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हरियाणा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आईएएस के सेकेंड रैंकर अनु कुमारी को। सो ये भी इससे मिलती जुलती न्यूज थी और क्वेश्चन था। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अवार्डेड विद सरस्वती सम्मान 2017। इनमें से 2017 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? सो यू हैव द फोर ऑप्शंस, सितांशु, यश चंद्रा, एंड दिस वन इज द करेक्ट, सितांशु यश चंद्रा को ही सरस्वती सम्मान 2017 मिला है। अच्छा, सरस्वती सम्मान कौन प्रोवाइड करता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और ये मतलब ऑथर्स को प्रोवाइड किया जाता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा सम्मान है ऑथर्स के लिए, ठीक है। सो इस बार का यानी 2017 का जो अवार्ड मिला दैट वॉज सितांशु यश चंद्रा को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत दिवस, आयुष्मान भारत दिवस इनमें से कब मनाया गया, कब सेलिब्रेट किया गया? तो इट वॉज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल 30, आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया अप्रैल 30 को। आयुष्मान भारत दिवस क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें यह होता है कि भारत के दूर दराज के एरियाज में मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था आयुष्मान भारत दिवस। तो यह मनाया जाता है अप्रैल 30 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ब्रिटिश काउंसिल। इनमें से किस राज्य ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एजुकेशनल और कल्चरल कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए, वहां पे शिक्षा और वहां पे सांस्कृतिक विरासत को, सांस्कृतिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल से मतलब एमओयू साइन किया है। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश काउंसिल वहां के टीचर्स को ट्रेन करता है, तो वहां के टीचर्स जो है आकर के काफी ढेर संख्या में स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, तो वहां पे एजुकेशन का लेवल सही होता है, वहां पे कल्चरल कोऑपरेशन डेवलपमेंट होता है और स्ट्रेंथन होता है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट ने एमओयू साइन किया है ब्रिटिश काउंसिल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिशन बुनियाद, फ्रेंड्स आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि मिशन बुनियाद जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। दिल्ली गवर्नमेंट के जो डिप्टी सीएम है श्री मनीष सिसोदिया जो है, इन्होंने मिशन बुनियाद लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में, ताकि वहाँ के जो स्कूल्स की चीज़ें हैं वो सही हो सके। उन्होंने कहा कि स्कूल्स में क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है कि केवल सिलेबस कंप्लीट करो दैट्स इट, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात पे जोर दिया जाना चाहिए कि स्टूडेंट्स को राइटिंग का स्किल है कि नहीं, लिखने का स्किल है, पढ़ने का स्किल है कि नहीं, या फिर अर्थमेटिक्स का सिंपल कैलकुलेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं 3 आर्स, रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक, इसको हम 3 आर्स बोलते हैं। तो इनका स्किल बच्चों में है कि नहीं, इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बसरते मतलब इस पर फोकस नहीं होना चाहिए कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, ठीक है। सो ऑल दीज आइडियाज कम अंडर मिशन बुनियाद जो कि लॉन्च किया दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि नेशनल मैरीटाइम डे वॉज सेलिब्रेटेड, वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? नेशनल मैरीटाइम डे कब ऑब्जर्व किया भारत में? तो दैट वॉज ऑब्जर्व इन ऑन 5th अप्रैल इन इंडिया। सो फ्रेंड्स आपने सारे क्वेश्चंस को मैच करवा लिए होंगे, एंड आई होप कि अगर आप इस वीडियो को केवल ऐसे देख रहे होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पता चल गए होंगे। आपको जैसा भी लगा हो ये वीडियो, अपने रिव्यूज, अपने फीडबैक जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आपको कितना कुछ क्विज 1, क्विज 2 और क्विज 3 से क्या कुछ सीखने को मिला, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। अगर आप चाहते हो कि हम क्विज नहीं केवल क्वेश्चंस करवाएं, तो उसके लिए भी आप एडवाइस दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर अगर आप चाहते हो कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को और इंक्रीज करें, यानी 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस लें, यानी 20 लें, 25 लें, 50 लें, तो भी आप सिंपली कमेंट करो, फिर हम उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए मन लगा के, और अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को सब्सक्राइब करिए. ओके.